Hello, hi everyone. Today we'll check Raghav's video on GP Power Target 100 share analysis. Let's jump to the video. नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। जेपी पावर पिछले 3-4 सालों में 10 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जेपी पावर कोई बहुत स्ट्रांग मल्टीबैगर है। जेपी पावर में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं वो हम सबको मालूम है। अगर आप जेपी पावर के बारे में मेरे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाके उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्शन सीखना चाहते हैं तो जेपी पावर जैसी कंपनी की केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि आखिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में इस स्टॉक को इतना बड़ा मल्टीबैगर बना के हमारे सामने रखा, और अगर ये स्टॉक 10 गुना मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या ये ग्रोथ यहां से सस्टेन हो सकती है, ये ग्रोथ फंडामेंटली सपोर्टेड है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन और एक बुल मार्केट की वजह से ये स्टॉक बढ़ रहा है। जब लास्ट वीडियो जेपी पावर के बारे में मैंने बनाया था तो मैंने कहा था कि जेपी पावर की बुक वैल्यू 15 रुपए है और जब ये 15 रुपीज की प्राइस क्रॉस करेगा उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मैं भी देखना चाहता था कि जेपी पावर अपनी बुक वैल्यू को अचीव कर पाता या नहीं। उस समय जेपी पावर के स्टॉक की कीमत करीब करीब 10 रुपीज के आसपास थी और 15 रुपीज इसकी बुक वैल्यू थी। जब अपनी बुक वैल्यू यानी कि 15 रुपीज से ऊपर ये स्टॉक चला तो एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए ये देखना था कि कहीं ये मोमेंटरी स्पर्ट तो नहीं है या ऐसा तो नहीं कि 15 रुपए 16 रुपए टच करके वापस चला जाए। बट अब क्योंकि स्टॉक 20 रुपए के ऊपर जा चुका है तो इसका मतलब है कि उसने कन्विंसिंगली अपनी बुक वैल्यू की प्राइस को बीट कर दिया है और स्टॉक अब बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 15 रुपए की बुक वैल्यू 20-21 रुपए का शेयर, डेफिनेटली ये ओवर वैल्यूड कहीं से कहीं तक नहीं है, आज भी ये फेयर वैल्यूशन पे है। बट आज एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए समझना जरूरी है कि जेपी पावर में जो ये स्पर्ट आया है कहीं ये सिर्फ एक इन्वेस्टर फ्रेंजी या फोमो तो नहीं, या ये ग्रोथ सस्टेन हो सकती है। अगर ये ग्रोथ सस्टेन ना भी हो तो यहां से डाउन साइड के चांसेस कितने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम स्टॉक को होल्ड करते हैं या इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट सोचते हैं तो यहां से स्टॉक नीचे की तरफ चला जाए। आज ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जेपी पावर जैसी केस स्टडीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम पोटेंशियली मल्टीबैगर स्टॉक्स को रियल टाइम में सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जेपी पावर को मैं किसी मल्टीबैगर कैटेगरी में रख रहा हूं। जेपी पावर क्यों मल्टीबैगर बना, कैसे मल्टीबैगर बना और आगे चल के इसकी क्या जर्नी हो सकती है, इन सारी बातों को आज हम समझने की डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जेपी पावर के बारे में आपकी जितनी भी राय है, जो भी आपकी एनालिसिस है और आप क्या सोचते हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जेपी पावर के स्टॉक का क्या हो सकता है, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप जो भी कमेंट्स देंगे उससे सारी इन्वेस्टर कम्युनिटी का बहुत फायदा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर आप मेरे पर्सनल मल्टीबैगर पोर्टफोलियो के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कब मैं कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उनकी केस स्टडी से आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम में मल्टीबैगर स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है, कैसे अच्छी रिसर्च की जाती है, चाहे फंडामेंटल बेसिस पे हो या फाइनेंशियल बेसिस पे हो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पूरी एनालिसिस आप समझना चाहते हैं ताकि आप भी अपने लिए एक स्ट्रांग मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जेपी पावर से रिलेटेड उसके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस तरीके से कंपनी काम करती है, कौन कौन से वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है, ये सारा डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि ये पहले हम कई बार अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो वीडियोस देख लीजिए। इस वीडियो में डिस्कशन का पर्पज है जेपी पावर की फ्यूचर प्राइस को लेकर के हम कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करें कि क्या ये ग्रोथ सस्टेन हो सकती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना, कंपनी किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आगे निकली है और क्या अब वो कंपनी डिसाइसिवली अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुकी है और जिस लेवल पे आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हालांकि ये 10 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है बट क्या यहां से भी ये इतना बड़ा मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। कंपनी की मार्केट कैप है 14,289 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। हाँ, बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी स्मॉल कैप तो नहीं कहा जा सकता बट आज भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब 14,289 करोड़ की मार्केट कैप, पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, तो डेफिनेटली क्योंकि पावर सेक्टर एक एवर ग्रोइंग सेक्टर है और जिस तरीके से भारत में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और हम डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक नेवर एंडिंग डिमांड फॉर पावर क्रिएट होती है, जहां पे जेपी पावर जैसी कंपनीज का बहुत अहम रोल होता है। तो अगर कोई भी कंपनी इस समय अच्छा काम कर रही है पावर सेक्टर में और एक स्मॉल कैप स्टेटस पे काम करी तो डेफिनेटली उसके सामने पोटेंशियल रहता है मल्टीबैगर बनने का। ध्यान रखिएगा, मेरी किसी भी बात को इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की गलती मत करिएगा क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए हो सकता है कि अगर आप मेरी किसी भी बात को इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझे तो आपको बहुत नुकसान हो। स्टॉक की करंट प्राइस है 20.8, ये उस समय की प्राइस है जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। स्टॉक ने 23 रुपीज का 52 वीक हाई और 5.15 का 52 वीक लो क्रिएट किया है। ये 52 वीक हाई और लो है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले की प्राइस अगर देखी जाए, खासतौर से
2020 की, तो ये स्टॉक 1.80 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, जिसके हिसाब से आज करीब 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। स्टॉक की पी 29.3 है और इंडस्ट्री पी 26.5 है। तो अगर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए, पी मल्टीपल पूरी तरीके से जेपी पावर के फेवर में जाता है। आज भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अंडर वैल्यूड नहीं है तो ओवर वैल्यूड भी नहीं है। बुक वैल्यू 15.6 है, 15.6 बुक वैल्यू और प्राइस 20.8, तो यहां से प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आता है 1.35। अगर आप इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये पूरी तरीके से फेयर है, इसमें कोई भी ओवर वैल्यूएशन के सिग्नल्स नहीं है। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो ये अगेन अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास 24% शेयर्स हैं, एफआईएस के पास 5.14% शेयर्स, डीआईएस के पास 20.5% शेयर्स और पब्लिक के पास है 50.4% शेयर्स। ये जो FIs, DIs की, खासतौर से DIs की हम होल्डिंग दिखाई देती है, ये इसके डेट रिस्ट्रक्चरिंग का भी पार्ट रहा है, क्योंकि काफी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया था, तो वहां से FIs और DIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई थी। तो FIs और DIs की होल्डिंग हमेशा होना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जिस स्टॉक में FIs या DIs इन्वेस्टेड हैं तो वो कंपनी अच्छी है और वो डेफिनेटली शो शॉट मल्टीबैगर बनेगी। जैसा कि जेपी पावर में यहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से DIs के पास भी स्टॉक्स गए थे, FIs के पास भी कुछ स्टॉक्स गए थे जब डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया था। तो जब आप DI और FI को यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ना तो ये जेपी पावर के अगेंस्ट जाता है, बट ना ही जेपी पावर के फेवर में कोई भी बात साबित करता है। कंपनी की आरओसी रही है 5.16% और आरओई 0.57%। कंपनी ने 0.57 रुपीज यानी 57 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर जनरेट करी है एट ए नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 1.02%। और कंपनी की जो सेल्स रही है टीटीएम बेसिस पे वो रही है 6,628 करोड़ रुपीज। कंपनी के ऊपर 4,407 करोड़ की डेट है, 3,853 करोड़ के रिजर्व्स हैं। अब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी समझ लेते हैं, तो करंट रेशियो है 1.33 और क्विक रेशियो है 1। अगर इन फिगर्स को हम देखें तो सेल्स बहुत अच्छी कंपनी कर रही है 6,628 करोड़, बट जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ और सिर्फ 1% का है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में डेफिनेटली हम डेट पे होने वाले इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी पूरा कंट्रीब्यूशन उनका समझ सकते हैं, क्योंकि जब डेट पे होने वाले इंटरेस्ट पेमेंट्स जाते हैं तो वो नेट प्रॉफिट को खा जाते हैं और अर्निंग्स पर शेयर वहां से बहुत तेजी से गिरती हैं, क्योंकि जो भी अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट होती हैं वो शेयर होल्डर का राइट होता है। जो अर्निंग्स पर शेयर है वो शेयर होल्डर का राइट है, बट वो कैलकुलेट होंगी जब सारी की सारी लायबिलिटीज कंपनी अपनी मीट आउट कर लेती है, यानी कि जो भी पैसा लेंडर्स ने दिया हुआ है उस पर कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी उसकी पेमेंट होनी है, वो पहले कैलकुलेट होगी, वो पहले माइनस की जाएगी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में से और उनको पहले दिया जाएगा वो पैसा, उसके बाद शेयर होल्डर्स को जो बचेगा वो पैसा दिया जाएगा। तो इस लिहाज से शेयर होल्डर्स सबसे बड़े बेनिफिशरीज भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग्स पर शेयर अनलिमिटेड हो सकती है कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, बट सबसे बड़े लूजर्स भी हो सकते हैं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती और उसका ज्यादातर जो उसकी इनकम है वो उसके डेट पेमेंट्स में चली जाती है। अब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्च 21 से लेकर के अब तक जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं, यहां पे एक ग्रेजुअल इंक्रीज इसकी सेल्स में हमें देखने के लिए मिला है। ग्रेजुअल इंक्रीज जैसा सेल्स में रहा है तो एक्सपेंसेस में भी रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी ने अपने मेंटेन करे हैं। अदर इनकम का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहीं भी नहीं रहा है पिछले 3-4 साल के क्वार्टर्स में। इंटरेस्ट पेमेंट्स 140 करोड़ और 105 करोड़ यानी कि सिमिलर से इंटरेस्ट पेमेंट्स रहे हैं। इन सब फैक्टर्स की वजह से कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर से एक प्रॉफिटेबल पोजीशन मेंटेन करी है। हालांकि अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को देखें तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बीच बीच में अफेक्ट हो जाती है और नेगेटिव रिजल्ट्स भी कंपनी ने पोस्ट करे हैं। उसी हिसाब से अर्निंग्स पर शेयर जो रही है यानी कि ईपीएस भी पिछले 3 क्वार्टर से पॉजिटिव में है, जिसकी वजह से इसकी टीटीएम ईपीएस भी पॉजिटिव में दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स। तो मार्च 2014 से लेकर टीटीएम तक अगर हम देखें तो 2,889 करोड़ की जो सेल्स थी मार्च 14 में, वो अब बढ़कर 6,628 करोड़ हुई है और जिसकी वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स पर शेयर है वो जो पहले 11 पैसे की थी अब बढ़कर 57 पैसे हुई है। बट बीच में ऐसे कई साल रहे हैं जब कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। जो कंपनी ने जिन सालों में नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किया है वहां पे मेन कंट्रीब्यूशन रहा है कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट्स का, इनके डेट पे जो उनको अपना इंटरेस्ट देना पड़ा था। इस सारी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद एज एन इन्वेस्टर अब हमें ये एनालाइज करने की कोशिश करनी है कि जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वो कंपनी के फेवर में जाते हैं लॉन्ग टर्म में या कंपनी के अगेंस्ट जाते हैं। अगर हम सेक्टर की बात करें, कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें, तो डेफिनेटली वो कंपनी के फेवर में जाता है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, अभी 13,000-14,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी काम कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत स्कोप है। अगर हम आगे देखें, जैसा कि मैंने कहा, जैसे जैसे हमारा देश आगे चलेगा, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा तो उतनी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है। जनरली जितनी पावर हम लोग जनरेट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट
क्रिएट होती रहती है। पावर की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट हमेशा एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन कैपेसिटीज को एक्सीड करती है। तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी हो जो पावर सेक्टर में काम कर रही है उसके सामने अनलिमिटेड स्कोप है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में सोलर पावर के बारे में, सोलर सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया है, कुछ कंपनीज का भी आपके साथ डिस्कस किया है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सोलर सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो नए रिक्वायरमेंट्स हैं पावर की उसका कुछ कंट्रीब्यूशन सोलर सेक्टर की तरफ से भी आए। अब जेपी पावर जैसी कंपनी जो हाइड्रो और थर्मल पावर जनरेशन में काम करती है, तो डेफिनेटली इन कंपनीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है और इनके सामने बहुत बड़ा स्कोप भी आता है। बट यहां से आता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग। जैसा कि हमने देखा, जेपी पावर का अभी भी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 1% है। अभी भी उसके ऊपर कई हजार करोड़ रुपए की डेट है, जो कि उसके मार्केट कैप के सामने काफी सब्सटेंशियल है, उसके रेवेन्यूज के सामने भी काफी सब्सटेंशियल है। तो जेपी पावर के ऊपर ये ओनस रहेगा और उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐसे ही प्रॉफिटेबल ईपीएस जनरेट करते रहे। जरूरी नहीं है कि ये ईपीएस बहुत ज्यादा हो, अगर कुछ पैसे की भी ईपीएस है और वो पॉजिटिव चलती है तो यहां से जेपी पावर की बुक वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी। जितनी जेपी पावर की बुक वैल्यू आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे उनकी डेट कम होती जाएगी। डेट कम होने के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होंगे और कुछ सालों में जेपी पावर अपनी इस पूरी डेट से बाहर निकल के पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर पाएंगे। तो एज एन इन्वेस्टर हमें अब नजर रखनी होगी जेपी पावर की बुक वैल्यू पे और इसके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। मेरा कहना यह नहीं है कि हम रोज जेपी पावर की प्राइस को वॉच करें या एक दिन या दो दिन के उसके प्राइस मूवमेंट से कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि रोजमर्रा में जो प्राइस के मूवमेंट्स होते हैं वो तो मार्केट सेंटिमेंट्स में और बहुत सारे और फैक्टर्स से डिसाइड होते हैं। बट कंपनी के जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बेस पे जिस तरीके से कंपनी आगे चलेगी, ये हमारे लिए देखना बहुत जरूरी होगा। जब मैंने लास्ट वीडियो जेपी पावर बनाया था तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि ये अपनी बुक वैल्यू को क्रॉस करेगी, और इसीलिए मैंने इतना वेट भी किया कि पहले अपनी बुक वैल्यू को वो कन्विंसिंगली क्रॉस कर जाए और तब उसके बारे में हम नया डिस्कशन करें। अब यहां से हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस होगा जब जेपी पावर 15 और 16 रुपीज की इस रेंज में जो इसकी बुक वैल्यू चल रही है इसे क्रॉस करके करीब 20 रुपीज के आसपास पहुंचेगी। बट इतना जरूर है कि प्रेजेंट लेवल्स पे जेपी पावर का स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड नहीं है तो ओवर वैल्यूड भी नहीं है, और जहां तक मैं समझता हूं इसमें डाउन साइड भी लिमिटेड होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।